है, किसी की शादी थी इनकी बहन की और उसकी शादी में पैसे के लिए इसने चोरी की घटना। बहन के शादी के लिए कम पड़े पैसे तो चोर बने भाई। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। जी हाँ, गोपालगंज से ये घटना निकलकर सामने आया है, जहां बहन की शादी थी लेकिन शादी में पैसे कम पड़ने के कारण भाई ने दोस्तों के साथ मिलकर कौशल विकास केंद्र से 21 लैपटॉप उड़ा ले गए और ये सब कुछ किया गया बहन के खातिर, क्योंकि बहन की शादी होनी थी और पैसे कम पड़ गए थे, भाई को कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, तो उसके बाद दोस्तों के साथ मिलकर भाई ने पास के ही कौशल विकास केंद्र से 21 लैपटॉप की चोरी कर ली और ये चोरी पूरी धूम पिक्चर की तरीके से की गई और धूम पिक्चर के स्टाइल में ही जिस तरीके से चोर आते हैं लूट के घटना को अंजाम देते हैं पूरा उसी तरीके से अंजाम दिया गया, लेकिन वो अब पकड़े गए हैं। करीबन 10 दिन के बाद गोपालगंज एसपी ने एक टीम बनाई और इस टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अब चारों चोर को पकड़ लिया है, लेकिन चोरों को तो पकड़ लिया, उसके बाद जो मामला निकलकर सामने आया वो चौंका दिया। भाइयों ने बताया कि हमारी बहन का शादी था और शादी में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो पैसे का व्यवस्था कहां से करे, तो इसी वजह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और कौशल विकास केंद्र से वो 21 लैपटॉप उड़ा ले गए। हालांकि पुलिस की ओर से चारों चोर के बारे में बताया जा रहा है कि इनका पहले से ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है किसी भी थाने में, ये पहली घटना को इन्होंने अंजाम दिया और वो भी बहन के शादी में जो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे उसके लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और खुद एसपी क्या कुछ कह रहे हैं इस घटना के बारे में, इन चारों जो चोर हैं उनके बारे में हम आपको सुनवाते हैं। कौशल विकास केंद्र है, वहाँ पिछले महीने चोरों ने 21 लैपटॉप की चोरी कर दी थी और इसके उद्भेदन के लिए हम लोगों ने एक टीम का गठन किया था और इसमें थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में कुल 21 लैपटॉप को बरामद किया गया है और इस घटना में संलिप्त जो चार अपराधी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। इन अपराधियों में से तीन गोपालगंज जिला के रहने वाले हैं और एक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का जिला का रहने वाला है। और बरामद लैपटॉप और चार्जर के साथ जो लोहे का शावल जो घटना प्रयुक्त किया गया था ताला तोड़ने में उसको भी बरामद किया गया है और माननीय न्यायालय में चारों अभियुक्तों को अग्रसारित किया जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है और पूछताछ करने पे बताया है कि घर में किसी की शादी थी इनकी बहन की और उसकी शादी में पैसे के लिए इसने चोरी की घटना कारित की थी। और हालांकि ये एक अपराध है और बहुत ही गंभीर अपराध है जी। कौशल विकास केंद्र सरकार द्वारा के सहयोग से संचालित जनहित में चलाया गया केंद्र होता है और इसलिए चारों अभियुक्तों को प्राथमिकी दर्ज कर माननीय न्यायालय में बरामद सामान के साथ अग्रसारित किया जा रहा है। इसका जो मुख्य सरगना है सरदार रंजीत शर्मा है, जो गोपालगंज जिला के कटिया थाने का ही रहने वाला है, उसी ने साजिश रची थी और इसके घटना में और भी तीन लोग शामिल थे और ये सारे लैपटॉप है ये लोग छुपा कर एक जगह रखे हुए थे और इन चारों के पास से कुल 21 के 21 लैपटॉप को बरामद किया गया है। ये पहली बार इस तरह की घटना का अंजाम दिया था। अभी तक इनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने खंगालने का प्रयास किया था, आपराधिक इतिहास नहीं मिला है लेकिन और भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, सुना आपने कि किस तरीके से चारों चोर जो हैं इस घटना को अंजाम देते हैं, बहन के खातिर अंजाम देते हैं क्योंकि बहन के शादी के लिए कुछ पैसे कम पड़ गए थे और ये घटना गोपालगंज का बताया जा रहा है। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।